हक लीजिए, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो समय भी आ गया, वो लम्हा भी आ गया जिसका बड़ी बेकरारी से इंतजार था। रॉक क्राफ्ट इवेंट एंड प्रमोशन मुंबई की खजाने से एक नायाब तोहफा जिसे लोग प्रियानी वानी कहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, मैं आपको एक चीज़ यहां बताना चाहता हूं। प्रियानी वानी का सिलेक्शन यहां स्पंदन 2017 में लाने का पीछे कारण था। अमरापाली परिवार अपने स्टूडेंट्स को प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की और जिंदगी जीने की। प्रियानी वानी आज स्टार हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रियानी ने अपनी करियर की शुरुआत एक बहुत छोटे से कस्बे से की थी, जो मध्य प्रदेश में जोबट के नाम से था। जोबट से इंदौर और इंदौर से मुंबई का सफ़र। आप लोग हल्द्वानी में हैं तो ये मत सोचिए कि आपके लिए बॉम्बे बहुत दूर है। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे जो अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे सिंगिंग कर रहे थे। ये एक प्रेरणा है, हमारे जितने भी सिंगर्स यहाँ पे हैं ये एकदम बॉम्बे नहीं पहुँच गए हैं, बहुत छोटी जगहों से बड़ी जगहों से वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उन सब में प्रेरणा स्रोत प्रियानी वानी कि जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जोबट से फिर इंदौर और फिर मुंबई। मुंबई में सारे गामा चैलेंज, बॉल बेबी बॉल एंड देन लास्ट वन इज द वॉइस ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रियानी वानी ने प्लेबैक सिंगिंग फिल्म में की हैं, जिसमें थैंक यू, प्लेयर, फरारी की सवारी, लव पॉसिबल फिल्म आई थी। थैंक यू जिसमें एक गाना था हाँ हर घड़ी, जावेद अली के साथ इन्होंने कंपोज किया था। दूसरी फिल्म थी प्लेयर्स, जिसमें ये दिल ये बेकरार क्यों है, और एक लोरी। मैं चाहूँगा कि प्रियानी को अगर यहाँ समय मिले तो वो लोरी गा के सुनाएं यहाँ पे, जो फिल्म फरारी की सवारी में उन्होंने गाई थी। एंड फर्स्ट सॉन्ग इन डेब्यू फिल्म इस सोनी है लव पॉसिबल में था, जो कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। उसके अलावा पंजाबी, नेपाली, भोजपुरी जितनी भी हमारे यहाँ पे फिल्में बनती हैं उसमें प्लेबैक सिंगिंग दिया है। जयपुर म्यूजिकल फेस्टिवल अवार्ड बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड इनको वहाँ मिल चुका है, और मध्य प्रदेश की जानिब से प्रदेश प्रतिभा सम्मान भी इनको वहाँ मिला है। एक एल्बम है, एक यूट्यूब है इनका इशारों इशारों में। इशारों इशारों में जो अभी बड़ा रूमर फैला था, आप लोग अगर यूट्यूब यूज़ करते होंगे और प्रियानी वानी को आपने सर्च किया होगा तो वहाँ पे आपको इशारों इशारों में उनका ये एल्बम वहाँ दिखाई दिया होगा, जिसमें ये कहा गया था कि उसमें जो 3 गर्ल्स सिंगिंग कर रही हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो ब्लाइंड है। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें कोई ब्लाइंड नहीं था। एक और चीज़ प्रेरणा के लिए, हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा साया रहता है, और फाइनली एक स्टेज पर आकर हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि हमारे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की उस छाँव को तरस जाते हैं कि जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रियानी वानी वहाँ पहुँचने के बाद भी अपने फादर, अपने पिताजी को नहीं भूली हैं। द फर्स्ट टीचर ऑफ प्रियानी वानी सिंगिंग के लिए उनके फादर थे, और उन्होंने एक एल्बम तैयार किया है, किशोर कुमार का गाना है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्या हुआ, और इन्होंने ये गाना अपने फादर के लिए डेडिकेटेड किया है। आइए इन सब चीजों को समेटते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपके दिलों की धड़कनों को और जुम्बिश देने के लिए मैं आवाज दूं, जहां जहां तक भी ये स्टूडेंट्स यहां फील्ड में फैले हुए हैं, कृपया करके आई एम वेरी हैम्पर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम इन द पंडाल, क्योंकि प्रियानी वानी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच यहाँ आने वाली है, और मैं ये चाहता हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज होनी चाहिए कि यहाँ स्टेज के पीछे जो लोग हैं।
आप लोग ही दिल हैं और आप लोग ही जान हैं मेरे। ऑडियंस नहीं है तो एक कलाकार की कोई कीमत नहीं है। तो ये गाना आप सब लोग
दो तीन गाने हैं, मैं अपने आपके सबके प्रोफेसर के लिए, आप मेरे ख्याल से अपने टीचर्स के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आई एम डेडिकेटिंग दिस मेडली टू देम, और वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, और ये उन लोगों के लिए, और फिर धमाल मस्ती तो होनी है।